जिसने ये सरकार बनाई, जिसने जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहनशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। इस तरीके की चीज़ किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है।